देखो तो बात करने वाला है एलक्यू वर्सेस एनआरके के बीच होने वाले आज के तीसरे ईसीएस टी10 मैच के बारे में। एक एक प्लेयर का पूरा पूरा एनालिसिस, कौन किस नंबर पे बल्लेबाजी के लिए आएगा, कौन कितने ओवर बॉलिंग करके देने वाला है, इस मैच का आपके लिए पिच रिपोर्ट क्या होगा, प्लेइंग 11 क्या होगा, प्लेयर्स बदल क्या होगा, 2 से 3 रिस्की प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस मैच में जीएल में पैसे कमाने में मदद करके दे पाएंगे, स्मॉल लीग में आप कैसे परफेक्ट टीम बना सकते हो, कौन सी टीम ही में जीत सकती है, सभी चीज़ों के ऊपर वन बाय वन बात करेंगे। बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान देना है, ये जो मैं आपको वीडियो में एक टीम बना के दूंगा, ये एक हमारे एनालिसिस बेस की टीमों की, मान लो वीडियो की टीम में कोई प्लेयर ना खेल रहा हो या फिर लाइनअप आने का मुझे कोई भी चेंज करना होगा, तो जो भी हमारी फाइनल टीम होगी वो मैं स्क्रीन शॉट के जरिए अपने टेलीग्राम चैनल को आपको फ्री में अपनी फाइनल टीम भेज दूंगा, जहाँ पर 66,000 करीब सब्सक्राइबर यानी कि लोग पहले से फ्री में ज्वाइन है, आप भी ज्वाइन हो जाना, आगे वाले मैचेस की फाइनल टीम आपको यहीं भी मिल जाएगी, इसी तरीके से स्क्रीन शॉट के जरिए आपको भेज दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन होना आपके लिए जरूरी भी, आसान भी, एकदम फ्री भी रहने वाला। आगे आने वाले मैचेस जैसे आईपीएल मैच हो गए, 10 ओवर वाले कोई भी मैच हो गए, जो भी मैच मैं कवर करूंगा उसकी फाइनल टीम आपको यहीं पे भेज दूंगा। मान लो कोई मैच ऐसा होगा जिसकी मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना पाऊंगा, और अगर वो मैच में मैं कवर कर रहा हूँ, अपने पैसे लगा रहा हूँ, तो जो भी फाइनल टीम होगी वो मैं स्क्रीन शॉट के जरिए अपने टेलीग्राम चैनल को आपको फ्री में भेज दूंगा, जिसका लिंक आपको जिस भी आप वीडियो को देख रहे हो उसी के टाइटल आप क्लिक करोगे या फिर टच करोगे, आप सीधे सीधे हमारे डिस्क्रिप्शन में पहुंचोगे, सबसे ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, ना मिले तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाना, सबसे पहला जो कमेंट पिन किया हुआ देखने को मिलेगा उसमें भी आपको लिंक मिल जाएगा, जैसे ही आप इस ब्लू लिंक के ऊपर क्लिक करोगे या फिर टच करोगे आप सीधे सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल को पहुंच जाओगे, नीचे आपको ज्वाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से आप फ्री में अभी कभी ज्वाइन हो सकते हो और आगे वाले मैचेस का फायदा उठा सकते हो। सबसे पहले मैं आपको एक चीज कहूंगा, एलक्यू यानी कि लिमासोल कोलिंदर्स की टीम ने इस सीजन में 4 मैचेस खेले हुए हैं, 2 मैच जीत करके, 2 मैचेस अपने हार करके आ रही है, वहीं नापा रॉयल किंग्स की टीम ने आखिरी अपने 2 मैचेस खेले, 2 के दोनों जीत करके आ रही है, यानी कि नापा रॉयल किंग्स की टीम काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है इस सीजन में, तो इनके प्लेयर्स को आप ज्यादा फोकस करके टीम बनाना, नापा रॉयल किंग्स की टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा। ये जो मैच है ये आपको लिमासोल के स्टेडियम के ऊपर देखने को मिलने वाला है, जहां का एवरेज स्कोर आपको आखिरी के 5 मैचेस में 84 रन करीब का देखने को मिला हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा रन सब बन नहीं रहे हैं, शुरू के मैचेस में काफी हाई स्कोरिंग गेम हो रहा था, लेकिन अब जो है यहाँ पे बॉलर्स भी आपको कई बार अच्छा करके दे रहे हैं। सबसे पहले अमीर हुसैन जो कि बल्लेबाजी में ऐसा ओपनर आएगा, इस समय ऐसा विकेट कीपर नहीं खेल रहा है, ज्यादातर मैचेस में एक एक ओवर बॉलिंग करके दे रहा है, इस सीजन में इसने 4 मैचेस खेले हुए हैं, जहां तक देखो कि पहले मैच में भी एक ओवर, यहां पर भी एक ओवर, यहां पर भी, यहां पर एक भी ओवर नहीं किया हुआ, यानी कि 3 मैच खेला, 2 मैच में एक एक ओवर बॉलिंग किया और एक मैच में एक भी ओवर बॉलिंग नहीं कर रहा है, तो इस समय इतना भी अच्छा प्लेयर नहीं है, तो इसको मैं रिस्क ना लेकर के मैं इकराम को लेकर के चलूंगा, जो कि आपको नापा रॉयल किंग्स की टीम से बल्लेबाजी में एज अ ओपनर आने वाला, और इस समय एज अ विकेट कीपर आपको कैचेस पकड़ के भी दे सकते हैं, रन आउट भी कर सकते हो, स्टंपिंग भी करेगा, हर बॉल पे छक्के चौके मारने वाला प्लेयर है, तो जरूरी प्लेयर रहेगा क्योंकि एज अ ओपनर खेलने वाला है। बल्लेबाजी ऑप्शन है, सबसे पहले देखो बल्लेबाजी ऑप्शन है नवीद अख्तर को लेकर के चलूंगा, आखिरी मैच जो इसने खेल रखा है वहां पर इसने 2 ओवर बॉलिंग कर रखा है, जहां पर इसको 3 विकेट मिल गए, यानी कि ऐसा बॉलर में लेकर के चल रहा हूं, भले इसका नाम बल्लेबाजों में, सोहेल अहमद को लेकर के चलने वाला हूं जो कि बल्लेबाजी में ऐसा ओपनर आएगा, और अगर आपको 20 रन भी बना करके दे दिया वहां पे आपको 40 के करीब पॉइंट से ला करके चला जाएगा। बाकी मैं यहां से लेकर के चलूंगा गंदीप सिंह को, जो कि इस समय एनआरके की टीम से बल्लेबाजी में ऐसा ओपनर आ जा रहा है, कई बार बल्लेबाजी में 5वें नंबर पर भी आएगा, लेकिन मेनली जो ओपनर प्लेयर में ओपनर के तौर पर इसको लेकर के चल रहा हूं। एन मुनीर की बात करूं बल्लेबाजी में 4 पे आएगा, देखोगे शुरू के एक मैच ऐसा क्या हुआ था निकोसिया टाइगर्स के खिलाफ, जहां पर इसने 2 ओवर बॉलिंग किया था, 2 विकेट भी मिल गए थे, लेकिन बल्लेबाजी में कभी भी परफॉर्मेंस करके दिया नहीं है। इसके अलावा यहां से ऑलराउंडिंग ऑप्शन आपके लिए सबसे नंबर 1 चॉइस रहेगा सहरोन अहमद, जो कि नापा रॉयल किंग्स की टीम से बल्लेबाजी में ऐसा ओपनर आ रहा है, प्लस आपको एक एक ओवर कई बार 2 ओवर बॉलिंग करके दे रहा है, यानी कि बल्लेबाजी और बॉलिंग दोनों चीज करके दे सकता है। बल्लेबाजी से मान लो फ्लॉप हो गया, बॉलिंग से भी आप उम्मीद करके चल सकते हो, मेनली जो है ना बल्लेबाजी। यहां पर देखोगे दोनों मैचेस में बल्लेबाजी से रन बना करके दिया हुआ है, वो भी काफ़ी हाई लेवल का। तो अगर आप फैंटेसी में अपनी टीम बना रहे हो तो ऐसा केवीसी आप फैंटेसी की टीम में इसको बिना कुछ भी सोचे लेकर के चल सकते हो। उसके अलावा एस खालिद जो कि इस समय साहत खालिद जो कि बल्लेबाजी में भी ऐसा ओपनर आ रहा है और बॉलिंग से भी आपको 2 ओवर पूरा कर रहा है, मेनली जो है ना ये भी सीजन में बल्लेबाजी से ही परफॉर्मेंस करके दे रहा है, दोनों मैचेस में बॉलिंग से फ्लॉप हुआ है, बल्लेबाजी में आपको रन बना करके दिया हुआ है, ऐसा बल्लेबाज में लेकर के चलने वाला हूँ। सैयद तनवीर की बात करूँ, पहले मैच है ये बल्लेबाजी में ऐसा ओपनर आया, लेकिन बचे हुए मैचेस में इसका बल्लेबाजी क्रम नीचे कर दिया गया, 4 नंबर पे अब आ रहा है, अब बॉलिंग से आपको 2 ओवर पूरा कर रहा है। सैयद तनवीर जो है मेनली बॉलिंग से आपको परफॉर्मेंस करके दे रहा है, मेनली क्या है बॉलर है,
तो बॉलिंग के हिसाब से मैं लेकर के चलने वाला, आप चाहो तो एज अ वीसी लेकर के चल सकते हो, लेकिन कैप की चॉइस से थोड़ा सा दूर रखना। हरदीप सिंह को लेकर के चलूंगा जो कि आपको एनआरके की टीम की ओर से कप्तानी भी कर रहा है, बल्लेबाजी में भी फोर पे आ जाएगा और बॉलिंग पाँचवें पे आएगा, कई बार फोर पे आ रहा है कई बार पाँचवें पे आ रहा है, और बॉलिंग से भी आपको दो ओवर पूरा करके देगा, वो भी आखिरी के ओवर्स में बॉलिंग करके देगा, जैसे कि सेवन्थ ओवर हो गया या फिर नवा ओवर हो गया, इस तरीके से आखिरी के ओवर्स में बॉलिंग करके आपको देने वाला है। तो हरदीप सिंह आपके लिए थोड़ा सा रिस्की जरूर रहेगा, लेकिन प्लेयर अच्छा है। ए वलीद को आखिरी मैच में प्लेइंग 11 में खिलाया नहीं गया, अगर खेलेगा तो बल्लेबाजी में कई बार तीसरे पर कई बार सेवन पे, बॉलिंग से कई बार एक ओवर कई बार वो भी नहीं। एम फारूक की बात करें, लिमासोल क्वालिनर्स की टीम गोर से कप्तानी कर रहा है, बल्लेबाजी में आपको कई बार तीसरे पर कई बार पाँचवें पे आ रहा है, तो अगर तीसरे पे आएगा तो प्लेयर अच्छा है, लेकिन अगर पाँचवें पे आएगा तो कई बार मौका ही नहीं मिलेगा। अब बॉलिंग से भी बात करें, सिर्फ एक ही मैच में इसने एक और बॉलिंग कर रखा है, बाकी बच्चों मैचेस में बॉलिंग नहीं किया हुआ है। उसके अलावा ए वलीद का रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन परफॉर्मेंस करके नहीं दे पा रही है, दोनों के दोनों सेम वही हैं, दोनों का अगर आप एनालिसिस निकालोगे ना तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन दोनों में से कोई भी इस समय परफॉर्मेंस करके बिल्कुल भी दे ही नहीं पा रहा है। तो ये दोनों को ना लेकर के पार्थ पटेल जो कि लिमासोल क्वालिनर्स की टीम की ओर से दो ओवर बॉलिंग पूरा करके देने वाला है, अब बल्लेबाजी में आपको करीब करीब सिक्स नंबर पे आएगा, तो अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेने की सोच रहे हो आप इसको लेकर के चल सकते हो, लेकिन मैं अपना रिस्क जो है हरदीप सिंह के ऊपर लेकर के चल रहा हूँ, क्योंकि नापा रॉयल किंग्स की टीम के जीतने के भी चांसेस है, नापा रॉयल किंग्स की टीम की ओर से कप्तानी भी कर रहा है, बल्लेबाजी भी करके आपको दे सकता है, बॉलिंग से तो दो ओवर करेगा ही करेगा, मैं हरदीप सिंह के ऊपर रिस्क लेकर के चलने वाला हूँ। बॉलिंग ऑप्शन है, सबसे पहले देखो एम मोहसिन जो कि लिमासोल क्वालिनर्स की टीम की ओर से अकेला बॉलर है जो कि बॉलिंग ऑप्शन है, दो ओवर बॉलिंग पूरा करके देने वाला है। जे भत्ती को आज का जो दूसरा तीन मैच है वहां पे इसको प्लेइंग 11 में खिलाया नहीं गया, तो फिलहाल मैं इसको लेकर के नहीं चलूंगा, लेकिन अगर ये खेलेगा तो दो ओवर बॉलिंग पूरा करके देने वाला है। अली खान जिसके पहले मैच मैंने बहुत सारी तारीफ किया था, जब पहला मैच नापा रॉयल किंग्स की टीम इस सीजन में खेल रही थी, मैंने आपसे कहा था काफी अच्छा विकेट टेकर बॉलर है, और आज के मैच में जब आखिरी का समय था वहां मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी आपको बोला था कि अली खान जो है विकेट टेकर बॉलर है, सेम वही हुआ, दो ओवर बॉलिंग किया, दो विकेट भी लेकर के गया, दूसरा ओवर चौथा ओवर यानी कि शुरू के ओवर्स में ज्यादा बॉलिंग कर रहा है और दो ओवर बॉलिंग पूरा कर रहा है। अगर आप रिस्की टीम बना रहे हो आप लेकर के चल सकते हो। बाकी एस सिंह हो गया, नवीद अहमद हो गया, रिस्क मत लेकर के चलना। एम हमजा अगर एनआरके यानी कि नापा रॉयल किंग्स की टीम अगर पहले बॉलिंग कर रही है ना, पहले बॉलिंग कर रही है, तो आप एम हमजा को पर रिस्क लेकर के चलना, ये आपके लिए थोड़ा सा रिस्की बॉलर जरूर रहेगा, लेकिन एक ऐसा बॉलर रह सकता है जो कि आपको 70-80 पॉइंट्स ला करके जा सकता है। बॉलिंग से आपको दो ओवर करेगा, आखिरी के ओवर में बॉलिंग करेगा, जैसे कि दसवां ओवर और आधवा ओवर यानी कि आखिरी के डेथ ओवरों में बॉलिंग करके आपको देने वाला है। उसके बाद यहाँ से एक और अच्छा बॉलर मंजूर अली जो कि बल्लेबाजी में भी सेवन नंबर पर आ जाएगा, बॉलिंग से भी दो ओवर पूरा करेगा। इस सीज़न में अभी तक इसने दो मैचेस खेला, दोनों मैचेस इसने बल्लेबाजी से रन बनाया बल्कि बॉलिंग से दो दो ओवर पूरा किया, फिर भी फ्लॉप हुआ। लेकिन आज का जो पहला तीन मैच है एनआरके और एनसीटी यानी कि नापा रॉयल किंग्स और निकोसिया टाइगर्स के बीच जो है, वहां पे मंजूर अली ने दो ओवर बॉलिंग करके इसको दो विकेट मिले हुए, तो इसको भी लेकर के चलूंगा। अब मेरा यह है कि अगर एनआरके की टीम पहले बॉलिंग कर रही होगी, तो मैं एम हमजा को लूंगा, वहीं अगर सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कर रही होगी तो अली खान को लेकर के चलूंगा, या फिर आप सीधे सीधे मोहसिन को ना लेकर के अली खान को लेकर के चल सकते हो अगर नापा रॉयल किंग्स की टीम पहले बॉलिंग कर रही है। लेकिन अभी मैं ये चेंज नहीं करके चल रहा हूँ, अभी मैं इस तरीके से ही प्लेयर्स को लेकर के चल रहा हूँ और एम हमजा के ऊपर रिस्क लेने का सोच जरूर रहा हूँ। ये एक हमारे देखो अब आप क्या कर सकते हो, ये जो टीम है ना ये 11 चैलेंजेस के फ्लैक्सी मोड के लिए, 11 चैलेंजेस स्पोटेसी कुबेरा ये सब ऐपों के लिए है ना। लेकिन अगर आप मान लो डी 11 ऐप का खेल रहे हो या फिर 11 चैलेंजेस के फ्लैक्सी मोड के ऊपर खेल रहे हो, जहाँ पर 11 चैलेंजेस के फ्लैक्सी मोड के ऊपर जहाँ पर आप एक ही बल्लेबाज को भी लेकर के चल पाओगे, वहाँ पर गंदीप सिंह को निकाल देना और इसके बदले यहाँ से पी पार्थ पटेल को ले लेना, सोहेल अहमद को निकाल देना और यहाँ से एम हमजा को ले लेना, इस तरीके की टीम बना करके आप चल सकते हो। अगर आप 11 चैलेंजेस के फ्लैक्सी मोड के ऊपर खेल रहे हो या फिर अगर आप डी 11 ऐप का खेल रहे हो, इस तरीके की आप टीम बना करके चल सकते हो। लेकिन अभी मैं सारे ऐपों के लिए टीम बना करके दिखा रहा हूँ, तो ये दोनों प्लेयर को मैं रिस्क लेकर के बल्लेबाजों को लेकर के चल रहा हूँ। कैब वीसी में बोलूँ
तो आपके लिए कैप सहरोन अहमद और VCS खालिद, यही दोनों सबसे अच्छे प्लेयर रहेंगे। इनके अलावा अगर आप किसी के ऊपर रिस्क लेना चाह रहे हो तो सीधे सीधे आप यहाँ से सैयद तनवीर के ऊपर रिस्क लेकर के चल सकते हो, ऐसा VC का। ये एक हमारे एनालिसिस बेस की टीम है। मान लो वीडियो की टीम में कोई प्लेयर ना खेल रहा हो या फिर लाइनअप आने का मुझे कोई भी चेंज करना होगा तो जो भी हमारी फाइनल टीम होगी वो मैं इसी तरीके से स्क्रीनशॉट के जरिए अपने टेलीग्राम चैनल को आपको फ्री में अपनी फाइनल टीम भेज दूंगा, जहाँ पर ज्वाइन होना आपके लिए ज़रूरी भी, आसान भी, एकदम फ्री भी रहने वाला है। आगे आने वाले मैचेस को मैं यहीं पर कवर करने वाला हूँ। उसके अलावा अगर टेलीग्राम चैनल का लिंक आप जिस भी वीडियो को देख रहे हो ना उसी के टाइटल को आप क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में पहुंचोगे, सबसे ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। ना मिले तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाना, सबसे पहला जो कमेंट पिन किया हुआ देखने मिलेगा उसमें भी आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप इस ब्लू लिंक को क्लिक करोगे आप सीधे सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाओगे, नीचे आपको ज्वाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, आपके लिए फ्री का लाल बटन, इसके लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।